हे गाइस वेलकम बैक माय डाइम ब्लेसिंग्स। आई एम ब्लेस्ड और ना मैं बहुत परेशान। तो मैं मेरी यूट्यूब वीडियो के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, और फिर सडनली मेरे यूट्यूब अरे अरे यार, सडनली मेरे यूट्यूब चैनल की कंसिस्टेंसी जो कि है भी नहीं, उसे बचाने के लिए एज अ कंटेंट के फॉर्म में मुझे मिले साजिद अहमद भाई। यू कैन ऑल्सो कॉल हिम यूट्यूब शॉर्ट्स का सलमान खान। नहीं, ये फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चलाते, बट देयर इज अ सिमिलैरिटी। समझो, हमारे सलमान भाई फुटपाथ पे गाड़ी चला के लोगों को मारते हैं और हमारे अहमद भाई यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो बना के। तो बिना किसी देरी के मैं आपको रूबरू करवाता हूँ सस्ते सलमान खान से। लेट्स फकिंग गो। अबे चैनल ही नहीं मिल रहा उसका। होल्ड ऑन, मेरे को फिर से देखनी है। तो मतलब पहले उसने खाना खाया, उसके बाद वेट्रेस ने उसको बिल लाके दी, तो वो फिर हाथ धोने के लिए वॉशरूम चला गया, और जब तक वो वॉशरूम से बाहर आया, जब तक उसकी सीट में कोई और बैठ गया था, तो वो उसके बाजू में जाके बैठ गया, वो लड़की के बाजू में जो भी उसकी सीट में बैठ गई होगी, और उसके बाद उसे धक्के मार के निकाल दिया गया। और फिर एट द एंड स्टोरी का प्लॉट ट्विस्ट ये था कि उसको बिल पे करना था। अरे तो बिल तो वो खड़े खड़े भी पे कर सकता था ना यार। मतलब मैं भाई, लड़की ने कुछ बुरा नहीं किया। ऑफकोर्स अगर मैं उसकी जगह होता भाई, मेरे बाजू में कोई ऐसा इंसान आके एकदम से रेंडमली बैठ जाएगा कोई रेस्टोरेंट पे, तो ऑफकोर्स मैं भी ऑकवर्ड होऊंगा भाई। लेकिन भाई बिल खड़े खड़े भी तो पे किया जा सकता है, बैठने की कौन सी फेटिश है? आई मीन व्हाट द फक भाई, पोर्नोग्राफिक कंटेंट थोड़ी चल रहा है, मैं थोड़ा लॉजिक तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना यूट्यूब शॉर्ट से ब्रो। देखा, वी फाइंड वन मोर सिमिलैरिटी बिटवीन सल्लू भाई एंड अहमद भाई। सलमान खान की मूवी के फाइट सीन्स और अहमद भाई के शॉर्ट के प्लॉट ट्विस्ट, दोनों का लॉजिक इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। जीरो। हेलो हेलो, आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि माता के जागरण यहाँ से भी तो बैठे बैठे जीरो बोल सकता था नॉर्मली। खैर वॉट एवर, हम तो हैं ही चूती है। बेटा आज से तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना होगा। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बेटा मुझे कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। जब उन्होंने छोड़ दिया था तो इतने सालों बाद वापस क्यों आए? क्योंकि वो जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए वो चली गई थी। जो वो बनना चाहती थी वो बन गई। हाँ बेटा बन गई वो तो। हाँ बेटा बन गई किसी दूसरे की बीवी। मैं इतनी सीरियस वीडियो में हंस क्यों रहा हूँ यार? भाई आरो, लोग सैडिस समझने लगेंगे, शांत। जो वो बनना चाहती थी वो बन गई। हाँ बेटा बन गई, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी और बहुत सारे खिलौने भी देगी। वाओ, तो क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? यार एक तो इनके थंडर साउंड से मैं इतना परेशान हूँ, सालों कुछ भी होता है बिजली कड़का दे तो। अभी तुम्हारा दिल टूटा है, इंसान हो तुम, इंसान भगवान थोड़ी नाराज हुए हैं, तुम्हारे दिल टूटने से प्रलय थोड़ी आ जाएगा भाई। एकता कपूर के सीरियल की एडिटिंग इतनी के इन्फ्लुएंस कर गई, नेचुरल फिनोमेना को तो छोड़ दो। बिजली कड़का देते कुछ होता है यार। अंदर आ जाओ। नहीं, हमें फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, निकलना होगा। बेटा खाना वक्त पे खा लेना, एंड बी अ गुड बॉय। चुते हैं जुदा हुए कदम। मुझे नहीं आना है आपके साथ, आई वॉन्ट माई पापा। मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी,
कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। सलमान खान आफ्टर विक्की कैटरीना मैरिज। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। मेरा सिर्फ एक छोटा सा डाउट है, जब एट द एंड जाके हाथ जोड़ने से वो लोग मान ही गए थे तो इतना इंतजार कराने की क्या जरूरत थी यार। बेचारों को फ्लाइट के लिए लेट करवा दिया, इससे अच्छा पहले हाथ जोड़ लेता भाई, कोर्ट में ही हाथ जोड़ लेता। हद है यार। यार सादिक, मेरे नसीब में खुशी क्यों नहीं लिखी है? तो खुश रहना सीख लो ना। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैं मेरी माँ कहती है जिसको जिंदगी में खुशियाँ नहीं मिलती उसको तजुर्बे बहुत मिलते हैं, और यही तजुर्बे आगे जाके बहुत सारी खुशियाँ देते हैं, तो खुश रहना सीख लो। भाई एक सेकंड, जो लोग खुश नहीं रहते तो तुम लोग खुश रहना सीख लो, क्योंकि जो लोग खुश नहीं रहते उनको आगे जाके तजुर्बे मिलते हैं और वही तुम्हें खुश करते हैं। बट एट दी एंड क्वेश्चन ही तो यही था ना, प्रॉब्लम ही तो यही थी ना कि खुश नहीं है। मतलब इट्स लाइक इफ यू आर होमलेस देन बाय अ फकिंग होम, ये उसका शॉर्ट वर्जन है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो खुश रह लो। ब्रो क्या देख रहा हूँ मैं? भाई मैं ना कुछ दिनों से खुश नहीं रह पा रहा हूँ। वही मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया है, तेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? यही कि तू खुश नहीं है। तो एनी हेल्प? खुश हो जा, उससे ज्यादा क्या ही कर लेगा। और चले अब देखो यार, ये लोग तो खुश नहीं रह सकते लेकिन तुम लोग जरूर खुश रह सकते हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपनी सारी शॉपिंग में 100% कैशबैक ले सकते हो, विद कैश करो। साइक। वीडियो को 60 सेकंड आगे मत कर देना, नहीं है प्रमोशन, नहीं कर रहा हूं, नहीं है स्पॉन्सरशिप। चैनल है मेरा। क्यों करता हूं मैं ऐसा? सॉरी, दिसंबर के महीने में काट दिया। यार तेरा दोस्त अभी तक नहीं आया, सुना है बड़ा गुड लुकिंग है। खुद ही देख लेना, वैसे मैंने उसके भाई को भी इनवाइट किया है। हाय, हैप्पी बर्थडे, मीट माय ब्रदर। हेलो। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मीट माय फ्रेंड सिमी। हाय, नाइस टू मीट यू। हाय। हेलो। आप लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं अपने लिए जूस लेकर आता हूँ। तेरा दिमाग खराब है, उस अपाइज के साथ मेरी सेटिंग करा रही थी। सॉरी यार, मुझे क्या पता था। छोड़ा, उससे बात मत कर। जली नहीं छोड़ेंगे लोग कड़काना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इंसान की असली पहचान उसकी काबिलियत और उसके कैरेक्टर से होती है। क्या हो गया भाई? वैसे मैंने अपने भाई का सही तरीके से तारुफ नहीं करवाया, हाल ही में इनको अवार्ड मिला है बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का। सर अब वही होना जिसको बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सही पहचाना। के पास थोड़ा वक्त है, एक बिजनेस प्रपोजल डिस्कस करना था। यू कैन कॉल मी। इंसान अपाहिज नहीं होता, अपाहिज उसकी सोच होती है। नाइस, वेल डन। इंसान अपाहिज नहीं होता, अपाहिज उसकी सोच होती है। भाई इंसान अपाहिज नहीं होता, उसकी सोच अपाहिज होती है। तो अबे निकल। अरे मैडम मैडम, मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े। पीछे चुप जाओ, आने दो, मैं देखती हूँ। अरे मैडम, आपने किसी को भागते हुए देखा इधर से? नहीं। अरे मैडम, गोरा जैसा लड़का है, सलमान खान जैसा दिखता है। देखा, I told you, YouTube Shorts का सलमान खान। सलमान खान जैसा दिखता है। हाँ, वो उधर गया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बचा लिया। अगर फिर से आए ना तो मुझे बता देना। एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो। अच्छा ले लो। एक सेकेंड, डोंट टेल मी कि ये वो ही टट्टी कॉन्सेप्ट है कि वो जो गुंडे होंगे वो इसी के दोस्त निकलेंगे और इनने सब कुछ प्लान किया था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, क्योंकि सिर्फ हमारे अहमद भाई को वो लड़की का नंबर चाहिए था। आई एम जस्ट अज्यूमिंग। थैंक यू सो मच मैम। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। ओ क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर।
कोई मुझे इसकी वीडियो से बचा लो यार। सादिक ये व्हाट इज दिस यार, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे आता नहीं हूं। और कितना वक्त लगाओगी? लेकिन ये तो, अरे ये फजूल की चीजें, अरे ये तो मुझे चाहिए था, अरे ये मेरा फेवरेट ओट्स, मेरी कॉफी, मेरा शेविंग क्रीम, ये सारी चीजें मेरे लिए, अपने लिए कुछ नहीं लिया। आपकी जरूरतों को पूरा करके ही मुझे खुशी मिलती है, आपकी जरूरतों को पूरा करके ही मुझे खुशी मिलती है। आई नीड दैट वाइफ। Just kidding. ऐसे हरामजादों से बच कर रहे, चौकन्ने रहे। तुम चलो, मैं आया। तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है ना? हाँ, लेकिन मैं मोटी हो जाऊंगी। और प्यारी लगूंगी। सच में औरत को कोई समझ नहीं सकता। औरत को कोई समझ नहीं सकता, ये तो क्रिटिसिज्म था क्या शायद? मतलब ये तारीफ कब से बन गई बे? शायद मैं ही एजुकेट नहीं हो पाया हूँ। भाई मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं जरा बाल सेट करवा लेता हूँ। भाई अपने भाई पर नजर रखो, रातों को आवारा लोगों के साथ फिर रहा है। सारे चोर लिफंगे हैं, कहीं गलत कामों में न पड़ जाए। मेरा भाई ऐसा नहीं है, मुझे मेरी परवरिश पे भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। Hi, happy anniversary. Thank you. आपके और भाभी के लिए 4 days holiday package. लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? भाई तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। भैया आपका भाई तो पढ़ता है ना, कमाता भी नहीं है, तो इतने महंगे गिफ्ट कहाँ से लेके आते? To be continued. इसके भी पार्ट है, मेरे को देखना ही नहीं है, मेरा आज के लिए हो गया भाई। और मेरे को कोई बहुत ज्यादा भाई, ये बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं बन गया भाई, कोई चूतिया आपसा प्लॉट ट्विस्ट होगा? मेरे को पार्ट टू देखना भी नहीं है, लिटरली मेरे को इंटरेस्ट तक नहीं है। मतलब वो जो एक अंदर से क्यूरियोसिटी आती है ना, क्या होगा, मेरे को वो तक नहीं है भाई। शॉर्ट्स के भी पार्ट बनाते हैं और ये लोग भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगा भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू बी सब्सक्राइब्ड। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन फील ब्लेस। भाई इंसान अपाहिज नहीं होता। भाई मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। वही मैं बहुत दिनों से नोटिस किया है, तू खुश नहीं रह पा रहा। अरे क्या बोलो मैं? भाई मैं कुछ दिनों से खुश नहीं रह पा रहा। Take control of fate.